सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो इन चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप लोग एटीएम का तो यूज करते ही होंगे, पैसा निकालते ही होंगे, कभी सोचे हैं क्या एटीएम के टेक्नोलॉजीज के बारे में, कैसे आपका बैंक का जो एटीएम है वो यूज करके दूसरा बैंक से आप पैसा निकाल सकते हो, दूसरा बैंक के जो एटीएम होता है तो कैसे उसका नेटवर्क जो है वो शेयर रहता है एंड आपका जो बैंक अकाउंट, बैंक ऑल डिटेल्स लाइक बैंक अकाउंट नंबर, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा जो शेयर रहता है कैसे, सब आज उसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन एंड उसका नेटवर्क काम करता है। तो स्टे ट्यून, हिट लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो। मैं हूं भास्कर, आप देख रहे हो टेक्नो इन, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों एटीएम फर्स्ट यूज हुआ था 1966 में, उसके बाद धीरे धीरे एटीएम का यूजेज जो है बढ़ता गया। जो बैंक होता है, पार्टिकुलर बैंक डायरेक्टली एटीएम सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, वो कुछ बड़े बड़े जो कंपनी है उसके साथ टाई अप करने के बाद जो कंपनीज है, पार्टिकुलर कंपनीज जो कि आपका एटीएम के ऊपर लिखा रहता है रुपे, आपका मेस्ट्रो, मास्टर, वीजा, वो बड़े बड़े जो कंपनीज है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है एटीएम का। तो एटीएम कैसे काम करता है, उसका जो मशीन है कैसे काम करता है, जब बैंक उस कंपनी के साथ टाई अप करता है देन उसको आपका जो बैंक डिटेल्स लाइक अकाउंट नंबर, आपका जो बैलेंस डिटेल्स एंड एवरीथिंग जो है वो शेयर करता है, उसके बाद आपको एटीएम प्रोवाइड करता है। एंड उस एटीएम के पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप है, जो ब्लैक कलर का स्ट्राइप है वही मेन चीज़ है। उसमें आपका जो कार्ड नंबर एंड कार्ड एक्सपायरेशन डेट एंड आपका जो बैंक अकाउंट नंबर जो है बाइनरी फॉर्म में दिया रहता है, बाइनरी फॉर्म मींस 0 एंड 1। जब आप एटीएम में जाएंगे एंड उस एटीएम कार्ड को घुसाएंगे देन एटीएम कार्ड के अंदर जो कार्ड रीडर है वो आपको आपका जो कार्ड है वो रीड करेंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक स्ट्राइप है उससे रीड करेंगे कि आपका जो कार्ड है वो फेक है या सही है। अगर सही है देन वो चेक करेंगे कि आपका जो कार्ड नंबर एंड एक्सपायरेशन डेट वो वैलिड है या नहीं, अगर वैलिड है देन आपका जो अकाउंट नंबर है वो चेक करता है। अकाउंट नंबर चेक करता है उस डाटाबेसेस के साथ जो कि बैंक ने प्रोवाइड किया है उस कंपनी को, तो उसके बाद आपको पिन नंबर डालने के लिए बोलेंगे एंड पिन नंबर जब डालेंगे देन वो मैच करवाता है उस पार्टिकुलर बैंक अकाउंट के साथ कि उस पार्टिकुलर कार्ड के लिए वो पिन नंबर है कि नहीं। अगर है, सही निकल गया, देन आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, पैसा निकालना, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट एक्सेट्रा। जब मान लीजिए आपको पैसा विड्रॉ करना है, मान लीजिए आपको 5000 रुपीज विड्रॉ करना है, तो पीछे कैसे काम करेंगे, आपका एटीएम में बहुत सारा ऐसा सेल्स रहता है जिसमें जो पैसा रहता है डिफरेंट डिनोमिनेशन लाइक आपका 2000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके सेल्स में दिया रहता है। जब आप पैसा अमाउंट डाल देंगे देन उसका जो मशीन है वो पार्टिकुलर जो नोट है नोट निकाल के टोटल करवा के आपको पैसा हाथ में दे देंगे, पर उससे पहले एक स्कैनर रहता है एटीएम के अंदर, उस स्कैनर आपको आपका जो पैसा है उसका थिकनेस वो माप लेंगे, क्योंकि थिकनेस से ही मालूम पड़ जाता है उन लोगों को कि वो पैसा फेक नोट है या सही नोट है। अगर सही नोट है वो चेक करेंगे कि आपका जो अमाउंट दिया गया था 5000, वो 5000 ही निकल रहा है कि उससे ज़्यादा या कम निकल रहा है। अगर सही निकल रहा है देन वो पैसा बाहर आ जाएंगे एंड आपके हाथ में पैसा। तो नेक्स्ट हो गया, अगर मान लीजिए आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है एंड आपको निकालना है आईसीआईसीआई बैंक एटीएम में, तो कैसे उस डाटाबेस आईसीआईसीआई बैंक तक पहुंचेंगे, कैसे वो शेयर रहेंगे, उसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हर एक जो कंपनीज है जो एटीएम सर्विस प्रोवाइड करता है पूरा वर्ल्ड में, वो एक ऑर्गेनाइजेशन और एक नेटवर्क का मेंबर होना ज़रूरी है। वो मेंबर, वो नेटवर्क का नाम है इंटर बैंक नेटवर्क, जो कि पूरा दुनिया में है। तो इंडिया में तीन कंपनी है जो कि इंटर बैंक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है, वो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेक्स्ट है कैशनेट एंड थर्ड वन इज बैंक एटीएम नेटवर्क एंड कस्टमर सर्विसेज। ये तीनों में से सबसे बड़ी है जो है एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जिसमें बहुत सारा एटीएम्स एंड बैंक उसके साथ जुड़ा है। तो ये जो इंटरबैंक नेटवर्क है, ये इंटरबैंक नेटवर्क से ही पूरा का पूरा जो बैंक है, एटीएम कंपनीज है, वो एक डाटाबेस शेयर करता है। हर मतलब आईसीआईसीआई बैंक का डाटाबेस, दूसरा बैंक का जो डाटाबेस है उसके मतलब पूरा शेयर रहता है, एक एटीएम का कंपनी और दूसरा मान लीजिए रुपए का जो कार्ड डिटेल्स एंड एवरीथिंग वो दूसरों के साथ शेयर करता है। वो शेयर का मेन बाप जो है, मेन फादर जो है इंटरबैंक नेटवर्क। एंड इंडिया में ये जो मेन प्रिंसिपल है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो
क्योंकि ये जो नेटवर्क शेयर रहता है इंटरबैंक नेटवर्क जो है शेयर रहता है, तो इसलिए आप जो एटीएम कहीं भी जगह पे मतलब कोई भी एटीएम में दुनिया में हर किसी जगह पे आप जो है पैसा निकाल सकते हो। दिस इज़ द मेन थिंग बिहाइंड जो आपका एटीएम नेटवर्क है एंड एटीएम कैसे काम करता है एंड एटीएम का कार्ड मतलब कैसे काम करता है। तो आई थिंक ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हिट द लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।